दूसरी बात हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, खाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम टट्टे चुके नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं निगेबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। मैं आप और सोशल मीडिया पे भाई कई मार्फत वाली बातें होती हैं तो वो फिर समझानी पड़ती हैं। वो जो आदल राजा साबर शाकर मोहित पीरजादा हैदर मेहदी वगैरह वगैरह, ये अब्सकाउंडर डिक्लेयर हो गए। अब्सकाउंडर की अबडक्टेड की सुबह आएगी ब्रेकिंग न्यूज़। अच्छा जी, इसके बाद आएगी। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी? तो वो उधर थे ही नहीं तो पेश कहाँ होते? इंक्वायरी लगी हुई थी FIA में और पता नहीं गद्दारी के मुकदमात क्या। अब उनको इश्तहारी करार दे दिया, एक तो ये बात। दूसरा, कई बंदों के पासपोर्ट ही उन्होंने ब्लॉक करने शुरू कर दिए, इनके भी कर दिए। ये हैं जी मजोका साहब, जिन्होंने आज फैसला बंद किया ना, ये ब्लू फिल्म को मैंने शार्ट किया है जी, ये ब्लू फिल्म को शार्ट के आपको सही तरह दिखाते हैं। हाँ जी, आगे लाइट के आगे ऐसे करके उन नज़र आया जी। हाँ जी, ये जज साहब नज़र आ गए जी कि नहीं? ये रहे जज साहब। तो ये इनकी चली, उनको बताया गया अब उन्होंने क्या करना, क्योंकि अपील भी इन्होंने फैसला सस्पेंड करने के भी, इनके पास दो केस हैं, दो। एक वो सस्पेंड किया करना जो आएगा ये जुमे को, एक में महीना दिया कि महीने के अंदर अंदर फैसला करो, खान को अंदर रखना है या नहीं रखना। अच्छा जी, आपकी तफरी और तबाह के लिए एक और, ये बीच में पॉलिटिक्स भी आती है ना, ये ज़रा सुनिए। ये सुहेल रशीद सब बहुत अच्छे हैं और ये इनके ओपिनियन बड़ी, क्योंकि इनके 20-20 साल के तजर्बे हैं, इनको पता होता है जज किस कहाँ से बोल रहा है। अच्छा जी, हर बात पे मुकर जाते हैं, बीच में साथ साथ खबरें भी आपको देंगे। आज PTI का फार्म 45 और 47 वालों को भी शामिल करके तो 172 अरकान उन्होंने पूरे कर लिया है। मैंने उनके वाक भी हुई थी, वो जो एहतजाजी सिलसिला चल रहा है। शेख रशीद की सुन ले जी, शेख रशीद के आज वो जो FIR हुई थी ना, जहांगीरी ने क्लासिक दिया जी इसकी फेवर में, बहुत बड़ा। सारी FIR उनका जी, जहाँ जुर्म हुआ सर वहाँ की FIR होगी, बाकी की किसी के नहीं। अब जाएंगे, अब देखते कौन जाता है, कौन जाता है इसको DB में लेके, या कौन जाता है इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके। शेख रशीद की जो इधर उधर लंबे शंबे पड़ी थी सारी कैंसिल हो गई, अब सनम जुवेद को भी इसी से फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। वही है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिया, जहांगीरी ने तो वहाँ पर भी चलेगा। अच्छा, वहाँ से आके उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं, उठाया हुआ था चिल्ला काट के आया, मेरे मुंह पे इन्होंने ताला डाल दिया, उठा के उन्होंने मुझे लेके आए, तो जब मैं पहुंचा तो अपने घर ही ले आई मुझे। मैं अपना बेडरूम देख के बाहर ड्राइंग डाइनिंग देख के हैरान हो गया, कैमरे लगे हुए थे वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे मुनीब बैठा हुआ था। तो ये किस तरह झूठ बोल रहा था वगैरह, गंदी नस्ल के बच्चे, इनकी माओ के इनके बापों का नहीं पता, यकीन करो पार्टी में जाती है ना तो वहाँ कोई भी ये डाल देता है, तो ये वो लोग होते हैं। मुझे जो मेरे तो ये इंटरव्यू कराया था, सीधा हौली हौली खोल रहा, सारे खुलेंगे। तो ये मैंने कहा जी इसका फ़ायदा खुशखबरी, मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान साहब, वो हरि भगवान लोग जो रखते हैं PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, उन पर तो इन्हें अदालत का लग गया। अब देखते हैं बाबर सतार गिरता, अब सांड सिंह फंसे आपस में, अब दो बैल आपस में टकराए हैं, दो हाथी पर बैठ गए, अब
हाफज तू बचा के बता, तेरी मोटर ही पीछे से खींच देगा, फिर तू किस तरह तू निकालेगा। अच्छा जी, मोटर जो लगी पीछे। अच्छा जी, ये भी जरा दे ले, 18+ है गा जी। हाँ जी, इनको ऑडिशन नहीं करना है, इनको एक्टिंग नहीं सीखना है, इनको डांस नहीं सीखना है, इनको कुछ नहीं सीखना है। तैयार होके आती है और आके एकदम पूरा एकदम पल्ले उल्लू गिरा के एकदम बुक्स एकदम ऊपर ऐसे पुशअप करके बैठ जाती है। सर मुझे काम चाहिए, सर मेरी ले लो लेकिन मुझे हीरोइन बना दो। अबे तेरी क्या ले, तू एक्टिंग तो सीख ले, डांस तो सीख ले, प्रोड्यूसर तो तेरी ले लेगा, कैमरे के सामने क्या करेगी तू? ये दीजी राखी सावंत आपकी तिवरी तबाह के लिए लाया था, सच इसने कहा, इससे भी बुरे हालात होते हैं। प्रोड्यूसर साहब पहले उनके घर जाना शुरू होते हैं, ख्वाजा परवेज जो हमारे गाने गए पॉपुलर गाने सारा साहब के जिन्होंने लिखे मेहंदी फिल्म के लिखे, माही आवेगा मैं फुला ली धरती से जावांगी, तो वो हीरा मंडी में जाते थे पहले कि अच्छा तन में काम दवाना है तो वगैरह वगैरह। मेरा कोलीग था बल्कि मेरे से सीनियर था, वो ख्वाजे ने दूसरी शादी उसकी बहन से की हुई थी, इस वजह से ख्वाजा परवेज की करतूतें मुझे पता, कहता यार की करिए यार, बस बुजुर्गों के अगर से कोई ताल्लुक अली निकला है। अब्बा जी ने कहा चलो बुढ़ी होंगी भी तेरी बहन ऐदे ना ही, उसका नाम था ख्वाजा जहांगीर, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी आईकॉन था और नौकरी नौकरी भी करता था। ये दुबई में रेस्टोरेंट खोला है जी, और इनको लग जाती स्ट्राइक, नक दा कोका की स्ट्राइक है ते फौज दा ठोका की स्ट्राइक कोई नहीं जो नया गाया। तो मैंने कहा ये देखा दुबई में खोला है जी, LLCO बड़ा प्राइ रजिस्टर्ड होते हैं जी, कोई और भी में लिखा हुआ केड़ा जाल मीम मीम शीन शीन वाओ केड़ा केड़ी जगह पे बस दुबई लिखे है जी। दस देना भाई जान जी इंजीनियर साहब को मैं पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ का है ये। अच्छा जी, बात हो रही थी कि वो किस तरह जो है ना मेजर जनरल साहब ने गलत एफिडेविट दिया था आके जो मोबाइल को